ये देखो भाई, ये रही टाटा गाड़ी का शीशा साफ है। बंदर वगैरह से बच के रहना, थोड़ा बंदरों की तादाद ज्यादा है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी सारी मूवीज की शूटिंग हुई है और मेवात के अंदर है अभी तो। अभी मेवात में हमें नू गांव के अंदर जाना है। और अभी यार ये जो गाड़ी की साफ सफाई भी चल रही है तो हम कार से बेसिकली करने वाले हैं जर्नी। और से गिल्ली हो गई तो उस देखिए, उस दिख रही होगी आपको क्योंकि भाई लोगों चूलगिरी भी आ गया है। और अभी हम जाने वाले घाट की गुनी टनल के अंदर। तो भाई यहाँ पे टोल नाका है जो टनल से निकलते ही आपको मिल जाएगा। तो प्राइवेट और लोकल गाड़ियां हैं उनके लिए यहाँ पे टोल नहीं लगता है। ये चला जाता है रास्ता चलाना की तरफ और हम जा रहे हैं अभी दिल्ली हाईवे की तरफ। यार फोकस नहीं पड़ रहा भाई, फोकस फोकस। तो ये हम पकड़ लिए हैं दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। तो पहला जो सिग्नल है हमें मिल गया यहाँ पे। तो भाई ये है हमारा दूसरा ट्रैफिक सिग्नल जो पड़ता है गलता गेट के सामने। तो ये देखिए जितनी ज्यादा महंगी गाड़ी उतने कम ट्रैफिक रूल, और वो ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए भाग गया है एमजी एक्टर वाला। अभी भी सिग्नल है, 2 सेकंड बाकी है। ये देखो भाई, ये रही टाटा। और ये है खोलेगा हनुमान जी का गेट। और जैसे ही आप आगे निकलोगे दिल्ली हाईवे पे तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा जलमैर और आमेर। नारगढ़ जयगढ़ का रास्ता निकल जाता है वहां से। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो भाई यहाँ से जो ये सर्किल है यहाँ से हमारा निकल जाता है रास्ता जलमैर के लिए लेफ्ट साइड से। तो दोस्तों ये रोड है, ये नारगढ़ जैविक उद्यान को निकल जाता है नीचे की तरफ। ये है मनोहरपुर टोल प्लाजा। तो भाई टाइम हो चुका है 10:19 और हम शाहपुरा को क्रॉस कर चुके हैं। तो यार दोस्तों अभी हम आए हैं मतलब शाहपुरा की तरफ, और यहाँ पे हम गाड़ी को भी थोड़ा सा क्लीन करेंगे क्योंकि अभी विंड स्क्रीन की वजह से मतलब उस पर कचरा लगा हुआ, तो जिसकी वजह से मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा था। तो अभी हम गाड़ी का शीशा साफ करेंगे। चलिए करते हैं। अभी हट जा। Hi.
तो भाई लग रहा है कि हवा में टायर में थोड़ी हवा कम है। तो दोस्तों गाड़ी की सर्विसिंग बीच के अंदर करना जरूरी था क्योंकि यार आपको थोड़ा नजारा भी दिखाना था, तो शीशा साफ करवा रहे हैं अभी। मतलब मैंने किया है, शीशा ऐसा नहीं है, मैंने किया है, पानी मैंने डाला है। और गाड़ी के अंदर यार हवा भी थोड़ी कम लग रही है, तो बोला उन्हें कि हवा चेक कीजिए। उन्होंने किया गाड़ी का शीशा साफ है। ये देखिए गाड़ी का शीशा साफ करते हुए, हवा कम है ऑलरेडी दिख रहा है इसमें। आपको अच्छा विजन मिलने वाला है क्योंकि मैंने गाड़ी का शीशा साफ करा दिया लेबरों से। तो लेबरों ने कैसा काम किया है कमेंट करके बताइए। लेबर तो खुद ही लेबर है। तो दोस्तों हमने शाहपुरा से निकलने के बाद फ्लाईओवर को छोड़ते हुए राइट टर्न ले लिया था और ये अलवर का रास्ता हम पकड़ लिए हैं। बताना चाहूंगा कि विराट नगर अभी आने वाला है और विराट नगर के बाद यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमने ये रूट फॉलो किया है। अदरवाइज हम दिल्ली वाला जो रूट है वो भी फॉलो कर सकते थे जो कि मेन हाईवे था। तो दोस्तों आपके लिए इतना कर रहे हैं। देखिए तो दोस्तों हम आ गए हैं विराट नगर में और विराट नगर का मार्केट इस तरीके का दिखता है। तो दोस्तों सरिस्का चालू हो चुका है और सरिस्का के अंदर अभी जंगल ही जंगल है आपको मिलेगा। ये पूरा पहाड़ काट के बना हुआ रास्ता है और आगे आपको जंगल ही मिलेगा और आगे हम आशा करते हैं कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल सके। ये देखो गाड़ी, और भाई अगर आपको दिख रहा हो तो हिरन भी दिख गए। ये देखिए बरतरी का भी तो यही है। तो ये आगे सरिस्का का रास्ता आपको दिख रहा होगा, सफारी ये वाली जो जिप्सी है इसमें ही सफारी कराते हैं, ये वाली जो जिप्सी है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सिलीसेट लेक और ये रास्ता अलवर की तरफ से यहाँ पे सिलीसेट की तरफ जा रहा है, तो हम अभी सिलीसेट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा सिलीसेट जाने का रास्ता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं सिलीसेट लेक की तरफ। यहाँ पे बंदर वगैरह से बच के रहना, थोड़ा बंदरों की तादाद ज्यादा है। तो दोस्तों दिखाना चाहूंगा यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो आपको दिख पा रहा होगा पब्लिक बोटिंग करते हुए। और इस जो लेक का व्यास है वो है 7 किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है पूरी, जो आपको दिख पा रहा होगा। और इसका निर्माण जो करवाया था महाराजा विनय खान ने करवाया था 1845 में। ये बेसिकली इसका जो मोटिव था इस लेक को बनवाने का वो ये था कि अलवर सिटी की जो जल की आपूर्ति कर सके उसके लिए ये लेक को बनवाया गया था। और ये बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है यहाँ के लोगों के लिए, तो इसके लिए आपको अलग से टिकट भी देना होता है क्योंकि पहले यहाँ पे टिकट का सिस्टम नहीं था। अगर आपको जाना है तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हो जिसका एंट्री फीस है पर पर्सन 100 रुपीज। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से लेकर आप आगे जा सकते हो और ऊपर जाके उधर से एक स्टैंड है वहाँ पर आप बोटिंग वगैरह का आनंद ले सकते हो। और ये लेक काफ़ी बड़ा है आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो दूरी है अलवर सिटी से वो है 13 किलोमीटर। तो काफ़ी सुंदर प्लेस है, पब्लिक यहाँ आती है काफ़ी दूर दूर से। डाल दे फेंके मत ऐसे, ये गाय भी जा रही है उसको देना जी। वो देख तेरे पीछे। दोस्तों बताना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है और इसमें से वन ऑफ द फेमस मूवी थी करण अर्जुन मूवी की भी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो काफी अच्छा स्पॉट है यार, तो अभी कभी आप यहाँ से आप विजिट करो, ये मैं रिकमेंड करूँगा। वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है जो आपको दिख पा रही है उधर कॉर्नर में, वो बोटिंग वगैरह हो रही है और उधर भी देखिए
और अगर आपको एंट्री करनी है तो ये मेन ये नहीं है रोड, ये यहाँ से आपको प्रवेश के लिए टिकट लेना होगा जो कि आपको 100 रुपीज पे करना होगा। देन आप उसके बाद जाओगे आप उस प्लेस पे जो वो चढ़ाई वाला प्लेस है, उसके जस्ट नीचे ही आपको बोटिंग वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा उधर से। खूबसूरत प्लेस है और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आओ और अपनी फैमिली को भी लेकर आओ और यहाँ पे आप विजिट करो। ये आगे गए, वही थोड़ा विकास कार्य भी चल रहा है यहाँ पे और थोड़े स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए। जैसे आप बंदरों को कुछ देना चाहते हैं, मैगी खाना चाहते हैं, पकौड़े लेना चाहते हैं तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग की जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 12:42 और हम यहाँ से निकल चुके हैं सिलीसीड लेक से और अब हमें निकलना है अलवर से आगे की तरफ नू के लिए। तो अलवर को क्रॉस करना होगा और अलवर यहाँ से पड़ता है 13 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं, 12:42 हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अलवर खत्म हो जाता है और हम यहाँ से नू के लिए निकल रहे हैं और टाइम हो चुका है 1:21। दोस्तों हम आ गए हैं फिरोजपुर जिले का सब्जी मंडी में और अभी पीछे गया बस स्टैंड। तो दोस्तों हम आ गए हैं अहमदाबाद, जो अहमदाबाद नहीं है अहमदाबाद है और मेरे पीछे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है और अहमदाबाद के अंदर है अभी। तो अभी मेवात में हमें नू गांव के अंदर जाना है और अभी यार ये जो हाईवे था काफी अच्छा लग रहा था हमें, तो हमें लगा कि रोक कर एक वीडियो शूट कर ले। तो दिस इज गौरव खन्ना, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे और करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।